हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का प्लान ये है, इसको कर रहे हैं कुछ शूट इंपॉर्टेंट। मुझे दिव्यांशी ने पता नहीं क्यों कल से कॉल कर करके परेशान कर रखा है कि कल मेरे सामने भी नहीं आऊं। हाँ, उसको लेने आना, पता नहीं उसको क्या काम करना। बोले भैया आपका एल्बम बनाऊंगी, पता नहीं क्या करना चाह रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तेरा एल्बम? मेरा फोटो बनाएगी, एल्बम बनाएगी, भगवान जाने का स्केच बनाएगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाह रही हो। तो वो डेट मांग रही थी, मैंने कहा मैं 2 दिन के लिए वापस बाहर चला जाऊंगा, तो तू आ जा कल परसों, हम लोग क्या मुंबई जाना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, आता हूँ लेने के लिए। उसका फोन आया तब मैं उठा कि आ जाओ, लेने नहीं आए, वो तो तैयार खड़ी थी। मैंने कहा रुक जा, चाय नाश्ता पानी करके आता हूँ फिर जाता हूँ, मेरे को शॉपिंग भी करनी है, मुझे भी जाना है। तू तो काम करेगी, तू कैसे जाएगी? मैं सोच रही हूँ, मैं तो मेरा कम्प्लीट करके आ जाता हूँ, जब टाइम मिलेगा तब तो चल। पहले तू जाओ, चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा। चल। अरे हाँ, अलग क्रीम दे दे। कैसे जा ही रहा था मैं लेने, बोल अपने जाना मुंह से, टिक 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 मोर रहा, कैप्चर मेरा वाला कर रहा है, मालूम कट कर ला मेरे सारा के पार्सल। मैं तो शॉपिंग करने जाऊंगा सारा से, तो तू जा। ये तो मेरी कुकीज है। कुकी? यस। कुकी क्यों मंगाई है तूने? वो लखन भाई की, वो नीतू दीदी, वो कीर्ति दीदी ने खिलाई थी ना मुझे, वाली मैंने ऑर्डर करी। यार कितना पागल है। वो देना वो देना वो देना वो देना वो देना। शार्क टैंक का प्रोडक्ट है गाइस, शार्क टैंक दिल्ली बेस्ड, दिल्ली या नोएडा का ही है ना? नोएडा। नोएडा का चक्कू लेके, चक्कू लेके मस्त ही, बहुत टेस्टी। दोस्तों खुशखबरी, मेरे को टेस्ट आने लगा। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा था, 2-1 हफ्ते। आज मैं ही खाऊंगी। आप ये खाइए खूब पेट में। इतने बड़े बॉक्स में क्यों भेजा है? ओ फज, ओ फज, ठीक है ऐसे ही है। खूब टेस्टी कैसे लगता है। 1 कुकी लो, ओवन में गरम करो, उसके बाद खाओ। ले 1 कुकी गरम करवा दे यार। अभी खाएगा? एक कभी खाऊंगा। मैंने तो मैगी बनवाई है, जब मेरा टेस्ट गया था ना तब मैंने मैगी खाई थी, और जब मेरा टेस्ट वापस आया। अभी मैं जा रहा हूँ, दिव्यांश का कॉल आ रहा है बार बार, वो बोल रहे भाई कुएं में से पानी लाकर नहाने जाते हो क्या? अभी तक आई नहीं, इतनी देर हो गई। ठीक है, फज। फज क्या होता है भाई? पता नहीं, फज होता है, बहुत ज्यादा गूई सा मजा आता है उसको खाने में। वो तो वो भी वही है। खोल, खाएगी? मैं नहीं खाऊंगी, तो खा ही लेगा। मैं जाके आ रहा हूँ ना दिव्यांश को लेके, और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आऊंगा, थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ मैं। ओके बाय। क्या साइज आता तेरे? 5 नंबर। पहुंच गया हूँ मैं दिव्यांशी के घर। वैसे तो मैं उसको बाहर बुला सकता था, लेकिन अंदर जाके थोड़ा सा उसका मजाक ना उड़ाऊं तो कैसे पार्ट पड़ रही। वो मुझे परेशान कर रही है, तो मैं भी थोड़ा सा उसको परेशान करता हूँ। धूप कितनी तेज हो गई है दोस्तों, गर्मी बढ़ चुकी है भयंकर वाली। देखें क्या कर रही है। हेलो, भौंकता रहेगा, ये ब्लॉग नहीं बनाने देगा। कैसे उछल रहा है? ओह माय गॉड गाइस, यहाँ जैसे हर बार आता हूँ ना, हर बार एक स्टेप चेंज हो जाता है घर के अंदर। हाँ, नेक्स्ट टाइम पर्दे भी हो जाएंगे। हर बार एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। और डुबकी हो इसको छोड़ ही दो, ये मेरे ऊपर कूदे गई। अब बस भौंक के, तो आराम से कूद, आराम से कूदिए, ले लेते को प्यार कर दो, ले ले ले। अंकल, हेलो, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, नमस्ते। बस बस बराबर होते तो हाथ पिलाते। अच्छा, ये देखो मुझे बुलाती है हर बार, और हर बार खुद ही नहीं आती है। और सुबह से 10 बार कॉल कर दी इसने मुझे कि आए नहीं, आप आए नहीं, तो फिर सामान नहीं संभल रहा। आ जा आ जा आ जा आ जा, अच्छी है तू, अच्छी लगती कब है ये देखो। तू तो रेडी थी, तू तो सुबह 10 बजे से कॉल कर रही थी, अभी मेरे को आए हुए 20 मिनट हो गए यहाँ पर। झूठ मत बोलो। हाँ, रिकॉर्ड कराया मैंने टाइम आते ही। अरे यार रुक जाओ, मैं आया इसलिए था अंदर में, तो पहले को बाहर से कॉल करने वाला था। हेलो, नहीं भी नहीं ना तू आज? नहीं हुई हूँ मैं, नहीं भी लग तो नहीं रही बिल्कुल भी। लो आपके शक्कर पारे इतने से। यार उनके हिसाब से लाया कर शक्कर पारे, उनको मना किया हुआ डॉक्टर ने। ये क्या लेने गई थी? लाइट वाइट, लाइट का सेटअप शूट करना है मुझे किसी का। रूम आज दिखाता हूँ वापस से। नहीं 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 देखो ये तो आंटी ने ठीक करा होगा बस। ये भी देखो, ये बैग बुक डाल दिया, खराब कर दिया वापस से। नहीं आने आना है, ये देखो आना है। ये मैं स्टडी टेबल जो मैंने गिफ्ट करा, वो चीज तो मैं देखने जाता हूँ ना हमेशा कि कैसा रखती है। मैं बहुत अच्छा रखती हूँ, आज अच्छा नहीं रखा। हाँ हर बार ये कहती है, 1.5 साल तो हो गई सेम चीज को। सुनो मत कर, सब इकट्ठा करके लाके रख दिया, या तो बस ऐसे करके सारे प्रोजेक्ट सब कुछ एक साथ ही, कपड़े टोपी सब कुछ ही पटक दिए एक साथ ही। क्या फेल हो गई? फुल। ये तो टीचर के आँख ठीक नहीं थी।
हमारे टीपू भैया को कर लेते फोटोग्राफी, तुझे फोटोग्राफी करनी है? मैं उनकी जॉब खा रही हूँ। ये हर 3 महीने में एक नया काम करना चालू कर देती है, हम आज तक समझ नहीं पा रहे, 3 साल से ना मैं समझ पा रहा ना मेरी टीम समझ पा रही। मुझसे पूछ रहे थे बोले यार एक बार दिव्यांशी कर कैसे सब्जेक्ट रही है यार, अपन लोग कोई कॉमर्स करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, एक तरीके की पढ़ाई होती है, वो सारे हर 3 महीने में कुछ और करने लग जाती है, कभी किसी की पेंटिंग बना रही है, कभी क्या कर रही है, कभी फोटोग्राफी कर रही है, और अब जॉब अरे अच्छा जॉब करने लगी, वेरी गुड। अब मेरे को तड़ी देती है। अच्छा पापा की छुड़वा दी हमने, सही है, देख लो छोड़े प्रिंसिपल भी डांट लगाए। दोस्तों मैंने इसको दिव्यांशी को बोला था कल कि मैं चल सुबह आऊंगा तेरे को लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ हेल्दी नाश्ता चाहिए, दलिया बनवा दिया मेरे लिए। अरे यार मैं सोच रहा था कुछ ब्रोकली सूप वगैरह ऐसा कुछ बनाएगी, मम्मी से दलिया बनवा दिया इसने। ओ हाय भैया तो हाय। हां अब रेडी होकर आई है ना, मुंह धो के तो आ जाती है। हाँ। बहुत टेस्टी पन्ना बना था। और ये दलिया मैं पहली बार खा रहा हूँ ऐसा मसाला दलिया, एक कटोरी खा चुका था, मैं सोच रहा था क्या दलिया बना दिया मेरे लिए, लेकिन यार बहुत टेस्टी बना है। दोस्तों सही बता रहा हूँ, जब से इस एरिया को छोड़ के गई ना तब से क्या डेवलपमेंट हुआ है इस एरिया का, नाइकी वाइकी मार्क स्पेंसर सब आ गए यहाँ पर। मैं गई, मैंने अपना पूरा एकदम प्रकोप खत्म कर दिया, तूने पूंजी नहीं तूने प्रकोप खत्म कर दिया, देखा जो था ये एरिया ही डेवलप हो गया बहुत ज्यादा। चलो नाइकी में जाना है मुझे, तो पूमा में नहीं जाओगे? पूमा नहीं, नाइकी चले। पूमा तो मैंने पहन रखे हैं। नाइकी चलते हैं फिर, नाइकी चलते हैं। फोन पे क्या समझ गई तू? नहीं मेरे को सुनाई दिया, मुझे नाइकी चलेंगे, चप्पल लेनी है, मैंने कहा वो भूल रहे होंगे किसी नाइकी अपनी चप्पल, मैंने कहा ठीक है चल लेंगे नाइकी। नहीं इतनी अकल है तेरे अंदर। अच्छा गाइस तो अभी यशी के लिए कर रहे हैं, उसको भी एक चाहिए था, तो दिव्यांशी का और उसका साइज सेम है, देखने के बाद 5A है, मैंने ऐसी ली है और सेम मैं सोच रहा हूँ उसके लिए भी ले लूँ ऐसी, क्योंकि ये बहुत कूल लग रही है। सही है साइज, एक बार से फोन करके पूछता हूँ, 5A है ना उसका साइज, अच्छी लग रही है तेरे पे। गाइस मुझे ये शूज पसंद आए, जस्ट बॉट माय फर्स्ट नाइकी डंक, ये रहे। वैसे यशी के लिए भी मुझे कुछ लेना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको खुद चूज करना चाहिए आके, और जो वैसे एक शूज पसंद आया था उसमें मेरा साइज नहीं मिला, क्योंकि ये तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, सिर्फ इकला था ये जो अभी शायद रिसेंटली इन्होंने बताया लॉन्च हुआ है, तो मैंने ये ले लिया है। और यशी के लिए स्लीपर्स भी लेनी थी, वो भी नहीं मिली, उसमें साइज नहीं था उसका। मेरी शॉपिंग हो चुकी है, तुझे कुछ लेना है? इसको फोटोशूट कराना है हमारा, मैं फोटोशूट के लिए ले रहा हूँ, इनका फोटोशूट करियो शूज का। ले यार अब इतना तो कर सकती, जहाँ मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे गिफ्ट हो गया तेरी तरफ से, जहाँ पेमेंट करके चल 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 चल। शॉपिंग डन, अभी गाड़ी देगी यशी को, यशी क्योंकि मेरे घर जा रही है, उसको कुछ शूट करना है उसके लिए। और बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, मैं लेने आया था सिर्फ एक स्लाइडर्स, जो मेरी चप्पलें थी वो रिसेंटली ली थी प्यूमा की, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, मैंने कहा यार एयरपोर्ट लुक वगैरह थोड़ा सा अच्छा चाहिए होता है मेरे को, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ थोड़ा बहुत शूट वूट हो जाता है, तो मैंने कहा कुछ लेकर आते हैं, नाइकी के बहुत अच्छे आते हैं, तो वो लेने गए थे। फिर इसने बोला कि ये अच्छे लग रहे हैं ब्लू कलर के शूज़, मैं कभी नाइकी ये जैसे ना मेरे को पसंद बहुत है शूज़, मैंने कभी लिए नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं लेता था मैं पता ही समझ में नहीं आया। वैसे मैंने एक बार ऑर्डर करा था, तो वो इतना 15 दिन दिखा रहा था, मैंने कहा 15 दिन मुझसे वेट नहीं होता, डिलीवरी करो, और फिर वो पता नहीं कहाँ से आते हैं शूज़, थोड़ा सा लेट आता है, मतलब डिलीवरी बहुत लेट होती है इनकी, तो मैंने कहा छोड़ो इसको कभी शॉप पे से ले लेंगे, और आज ले ही लिए फाइनली बिना सोचे समझे लिए। वो मैंने दिला दी तो फिर ले लिया। और यशी की स्लाइडर्स नहीं लिया, वो चिल्लाएगी मेरे ऊपर कि मेरे लिए कुछ लेके, लेकिन उसको लेकर आऊंगा, उसके लिए गर्ल्स के लिए बहुत प्यारा कलेक्शन है। अच्छा हमें मुझे नहीं पता था, आज पता चला जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा नाइकी का स्टोर है, इसलिए मुझे शूज अवेलेबल हो गए, वरना उन्होंने बताया कि सिर्फ 10-12 पेयर आते हैं स्टोर्स के अंदर, बाकी आपको ऑनलाइन लेना होता है, 10-12 पेयर आते हैं जो सबसे पहले ले जाता है खत्म। तो सबसे पहले इस बार अपन आ गए, मैं तो नंबर भी लिया, मैंने कहा भैया जो आए मेरे को पहले बता देना, अब से ले जाया करूँगा, कलेक्शन बनाऊंगा। यार देख मैं बताता हूँ, मैं बेलमन के शूज़ लेके आया वो, और LV के शूज़ लखनऊ में दिए, 1-1 लाख रुपए के शूज़ हो गए, और मैं ये सिर्फ 8,500 रुपए के हैं, और मैं सोच रहा था नहीं नाइकी का क्या है, क्या सीन है, सस्ते हैं ज़्यादा, महंगा तो है नहीं है। तो मेरे बैग मुझे वापस करो प्लीज़, ये बस इतनी देर के लिए दिए थे। कैमरा लेकर आई, कैमरा तो कब खरीद के लाई, या किसी से ले लिया? 2 साल पहले। किसका चोरी करा? घर पे लाइट शिफ्ट करने के लिए, बता सिखा देता हूँ, चल सिखा देता हूँ, नहीं बनाना पड़ेगा, सिग्नेचर स्टेप बना लेते नहीं। खाना खा लिया तूने? यार मुझे लगा था कि मेरा स्वाद वापस आ गया, लेकिन नहीं आया यार, स्वाद आ गया, मुझे लगता खाने में स्वाद नहीं है। नहीं 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 यार, मौसम आंटी की मैगी तो इतनी टेस्टी होती है, फिर कैसे स्वाद नहीं, तेरे एक एक करके टेस्ट बर्ड है ना ठीक हो रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बहुत पहले कड़वा नहीं, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर कड़वा आने लगा, फिर मीठा लगा, ये देखो बैन लग गया। हेलो आ गई पागल, अब आ गई मजे, पागल आ गई, अब मजे आएंगे, अब इसको दौरे चढ़ेंगे, रात को दौरे चढ़ते हैं। अरे मैंने टीपू, नहीं कैमरा मैन बन गई, ये तो
और गाजर का हलवा भी है मतलब भाई। और मैंने पता क्या खाया, मसाला दलिया। ओहो हो, क्या टेस्टी लगता है बहुत। हम तो खाते हैं, मैंने दलिया बनवा दिया। बता, मैं इसको बोला था कुछ हेल्दी बना, दलिया खिला रही। मस्त है मसाला दलिया, आम पन्ना पियो, भयंकर है, भयंकर टेस्टी। अपना है, फिर मैंने फोन करके मतलब सोनू से कंफर्म किया अपना पास आया तो अपना ही है ना, मुझे लगा किसी और का आ गया। अच्छा सुंदर है ना, शूट के बाद ही वापस देना है। तुझे कैसे पता? पूछ ले फोन करके, शूट के लिए आया सिर्फ। नहीं यार, हाँ शूट के लिए आया, वापस जाएगा ये। लो हम पन्ना पी लाओ, मसाला आंटी थोड़ा सा दो, आधा ग्लास दो, इतना सा दो। कैसे ला के रखती थी, तो भगोनी नहीं थी, भगोनी ला के रख लो। ले बता दे यार, ले बता, ये कर, ये वाला डांस स्टेप कर, देख तेरा क्या मजा आएगा सैमसंग फोन के साथ। कहीं कैंपेन कर रही है जिसके अंदर सैमसंग के साथ डांस करना है इसको। और डांस मुझे आजकल आता नहीं। मेरे को एक जिम वेयर चाहिए था, मतलब ये मेरा एक टी शर्ट और एक पजामा लाया हूँ, कुछ भी नहीं खास इसके अंदर। ठीक है ओके, ठीक है जिसमें दिखा देता हूँ। ये मैं शॉपिंग करने गया नहीं था, तो मुझे एक प्लेन मुझे जिम के लिए टी शर्ट चाहिए थी, बहुत अच्छी लग रही थी। कपड़ा भी अच्छा है इसका, बना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे क्यों है कोई पैसे रख जाए पीछे, पैसे रख के ले जाए, कुछ और ले गया तो दिक्कत हो जाएगी। यार यहाँ पर्स लगा के कैसा अच्छा लगा। ये असली है, ये असली है, ये क्या बोल रही है, कुछ तो बोलिए, ये कुछ तो बोलिए, पता नहीं कुछ तो बोलिए, देखो कि बताए ले, चल जल्दी बता। और ये देखिए तेरे तेरे लिए भी सेम लाने वाले थे। और यार वो एक वो सॉक्स लाया था तो उसका वो टुनटुना हटाना भूल गए, वो जो टू 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 बजने लग गया भाई साहब, हार्ट बीट तेज हो गई, गार्ड साहब बोले आओ। मैंने भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं करा है। वाओ द सुपर कंफर्टेबल देख के पता चल रहा है, ये सेम तेरे लिए लेकर आ रहे थे हम लोग। लेकिन अच्छा, ये तेरी है क्या? हाँ ये भी आ गई मेरे, तुम ये बड़ी सेम अगर ऐसे, लेकिन साइज नहीं मिला, तेरा साइज नहीं मिला, वरना कोऑर्डिनेट कर लेते इसमें अपन लोग। मैं तुझसे क्यों कोऑर्डिनेट करूं बे, चप्पलों में मैं तुझसे क्यों कोऑर्डिनेट करूं, इसलिए मैं तुझसे क्यों करूं, खुद के लिए लिए ये जाके, समझ गई? तो मेरे लिए कुछ नहीं लाया? आ यार ये क्या बात हो गई, अरे लाया 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 तेरे लिए लाया, मतलब मैंने कुछ लाया है? ये तो अपने पास रख लिया, ये क्या बात होती है भाई? मोजे है, मोजे तो मोजे तो ये भी है, मोजे है, मोजे ये एंकल लेंथ वाले हैं मोजे। चुप रहे, कुछ लाया मिल लिए भाई यहाँ से, पागल सा। तूने कुछ बताया नहीं, बताया तो था लिया था ये वाले। तुम लोग एक शूट के लिए जा रहे हो और आप देख सकते हो कैसे बच चुके हैं, बहुत ज्यादा ना तो छाए के लगा रखे तेरी मेरे अलग से। हमारी लाइट वाइट सब हम लेके जा रहे हैं और इस गाड़ी में इतनी भी जगह नहीं है कि हम अपना वो भी रख पाए। मैम सुनो ना, हाँ बोलो। एक GLS आती है, एक मर्सिडीज। अच्छा अच्छा अच्छा, बुलाना है थोड़ी सी एडजस्टमेंट अभी अभी लाते हैं, कंफर्टेबल चाहिए हमें कुछ सामान। यस आपसे ज्यादा तो मेरे को उसकी जरूरत है, लाएंगे यार मतलब ठीक है। अभी अपने गाइस जल्दी मिलेगी, जल्दी अभी ऑलरेडी मजाक नहीं करना, जल्दी मिलेगी बहुत। अरे कुछ भी, अब मुझे नहीं पता गाइस, कमेंट ठोक दो कि GLS चाहिए तो चाहिए, और सूरज को कमेंट करना, इनको मत करना, इनके पास कुछ नहीं लगा यार। मतलब हाँ मैंने मतलब मैं लखन भैया की गाड़ी में बैठी हूँ और वो सच में बहुत कंफर्टेबल है, मतलब कहीं जाने आने के लिए उसमें बेड भी बन जाता है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो हमारी लिस्ट पे वो है कि हम वो गाड़ी लाएं एंड मतलब फिर हम हमारी पूरी टीम को लेके उसमें चले, बट फिलहाल तो अभी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। क्या सीन हुआ? यस मेरी आंखें देखो लाल हो रही है, हाँ। तीन चार दिन से मेरा गला पूरा खराब हो रहा है, मतलब है ना थूक भी ना नीचे नहीं जा पा रहा। क्यों क्या हो गया? दर्द हो रहा है गले में बहुत ज्यादा। जल्दी हम शॉपिंग करने के लिए, ये बेचारे जो खुद का काम करने आई थी वो तो अभी इसका शुरू भी नहीं हुआ है, आज करके जाऊंगी। क्या पता हो पाए नहीं हो पाए, देखो इससे बटन गेट ही नहीं खुल रहा है।
और आज वही नहीं तेरा काम, फिर क्या करेगी तू? करवाओगी आप, मैं तो करके ही जाऊंगी, यही बैठे रहना, मुझे क्या दिक्कत है? अरे मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग तो आ रही थी बहन, तो आप अरे वो फास्ट बंद हो गई थी, मैं तो सुबह चला जाऊंगा भाई यहाँ से, मैं देखती हूँ, देख लेना। देखो आज मैं ड्राइव करूंगी तो बी रेडी। हाँ ये ड्राइव करेगी, तू आज झूठ खाने काम क्यों कर रही है मुझसे ये बता है। चलो गाइस लेट्स गो, चल चल उधर चले, ज्यादा मस्ती में आ रही है तू आज, देख बेटा रात को तेरी क्या बैंड बजेगी, फिर तेरा काम चालू होगा ना फिर देख तू। नो पेपराजी प्लीज, देखो चालू करेगी, देखे देखे इसको बटन मिलता नहीं मिलता, देखो क्या कर रही है, गाड़ी से चाबी देख रही है, चालू कैसे होगी इसको पता नहीं कहाँ से चालू होती, देखें हाँ ये देखो कहाँ चाबी की जगह ढूंढ रही, कहाँ लगेगी चाबी, इसको लगता है कि चाबी लगाने से होगी चालू, कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसको, लॉक अनलॉक कर रही है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, हाँ कर ले कर ले कर ले, खेल कर रही है बस, नहीं हो रही से चालू। इसको लग रहा है कि चाबी कहीं पे लगाते हैं उससे चालू होगी। और जबकि बैठी हुई है मेरे साथ मस्टैंग में, फिर भी इसको आइडिया नहीं कहाँ से चालू होगी, कहाँ से चालू नहीं होगी, देखो देखो इसको दिखे शायद स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिखा, पापा गाड़ी नहीं है, चाबी नहीं है, चाबी काहे के लिए चाहिए थी तेरे को चलाने के लिए? अच्छा ऐसे लगती है चाबी आजकल, आजा बैठ 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 बैठ, ये मैडम ये ढूंढ रही थी ये चाबी कहीं लगेगी, ठीक है इसको ये इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिखा, यहाँ पे है क्या, मैंने वहाँ ढूंढा था, सही बात है। शॉपिंग हो चुकी है, मैंने भी ले लिए और यशी के आउटफिट भी ले लिए, वो इसने सेलेक्ट करवाए हैं, जो आज 12 बजे लाया गया था ये बोल के कि हम नाइके चलेंगे और उस चप्पल लाएंगे और फिर हम शूट करेंगे, ठीक है यहाँ 7:44 हो रहे हैं, अभी तक मेरी लाइटें नहीं खुली है और पता नहीं सब कहाँ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कल शूट दिखाना है, मैं क्या दिखाऊंगी। मैं इसको बोल के लाया, मैंने कहा मेरा शूट करना पे इतने सारे जने सबका शूट कर रही हो, ये तो खुश होगी, हाँ विधि मीकू यशी हितेश भानु भैया सबका शूट हो जाएगा, मेरे तो मॉडल होगा खूब सारे, है ना, बोले यार फिर तो ठीक है लाइटें वाइटें लेकर आई खूब सारी, वो पैक ही पड़ी है अभी तक, अभी तक शूट स्टार्ट भी नहीं हुआ है और बोल रही कल प्रोजेक्ट देना है मुझे, तो तेरी गलती क्या है कि तुझे एंड टाइम पे नहीं आना चाहिए था, बैकअप मेरे से सुन लो क्या, तेरे को गिराते गिराते बचाया जिन्होंने, ठीक है उसके बाद मुझ पे इतना सारा बोझ आ गया, ये खुद के काम के लिए आई थी, मैंने अपना काम करा लिया, सारी शॉपिंग वॉपिंग करा लिया, मस्त अब तू जा कर, अब जा, मैं तो सो रहा हूं, आज जो नए जूते लाए रे नाइके से उन्हीं से पीटूंगी। हमारा शूट हो चुका है गाइस और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और भाई हितेश इतने बदतमीज है, पूछो भी मत, तो हमने ले लिया हमारे बड़ा पाव 5 पैक करा लिए, रिम लाइट है एक ऐसे शूट करना, ओके ये तो नहीं कर पाया, ये तो हमारा टीप भी नहीं कर पाया, ये पता है ये ना सिर्फ उसके लिए स्पॉटलाइट चाहिए भाई, वो पता है देख 9 से 3 कॉलेज जाती है और 3 से 8 फिर जॉब पे जाती है, अच्छी बात है ना, आजकल घर संभालने लग गई है, तो प्राउड बेटी, ये लड़कियां फॉर्म में आ रही है अपने, भाई लड़कियां कर पाती तो कर पाती है, मुझे दोस्तों हमारी फोटोग्राफी चल रही है भयंकर तरीके से, पूछो बस पता नहीं क्या कर रहे हो दोस्तों, यहाँ मेरे को मॉडल बना दिया, पता नहीं क्या ग्लिटर बिटर लगा दिया आंखों पे, पूरे घर में अंधेरा कर दिया, धुआं और कर दिया इसने, पता नहीं क्या का शूट कर रही है, है कर रही है, और देखो मैडम देख लो कौन कर रहा है शूट, जल्दी से बंद करो। कैनन से सोनी पे कैसे शिफ्ट हो गया? हाय मॉडल, हेलो।